के त्योंडा रोड पर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर की सूचना पर तांत्रिक पूजा पाठ के नाम पर नकली सोना बेचकर ठगी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने एक ओमनी कार में और साथ ही में 15 सोने के नकली बिस्किट और एक पीतल का कलश साथ ही में सोने नुमा गिन्नी के साथ गिरफ्तार किया। बुधवार को सिटी कोतवाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोतवाली TI सुमित देसाई ने बताया है कि त्योदा रोड पर मुखबिर से फोन के द्वारा सूचना मिली थी कि एक ओमनी वेन कार में कुछ व्यक्ति सोने जैसे बिस्किट बेचने की फिराक में ग्राहकों की तलाश कर रहे हैं। सूचना लगते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और एक खड़ी ओमनी कार में तवीश दी और कार में 5 व्यक्ति बैठे मिले, जिन्हें कार से बाहर निकालकर उनकी तलाशी ली गई तो जिनके पास से रखे हुए थैले में एक पीतल का कलश, एक सोना नुमा गिन्नी एवं 15 सोने नुमा बिस्किट रखे मिले, जिसके बारे में आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि तांत्रिक पूजा पाठ के नाम पर एक सोने नुमा नकली बिस्किट 10,000 रुपए में बेचना कबूल किया और इसी के चलते सोने का बिस्किट बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश में घूम रहे थे। इनके पास से 15 सोने के बिस्किट, एक सोने नुमा गिन्नी एक घटना में ओमनी वैन को जब्त किया गया है। TI सुमित देसाई ने आरोपियों के बारे में बताया है कि आरोपी जुगल किशोर, संजय चक्रवर्ती, रफीक शाह और मुनीम साहब दानिश खान, यह सभी आरोपी जबलपुर के आसपास के क्षेत्रों से ठगी करने नगर में आए थे। घटना के आरोपियों को पकड़ने के लिए TI सुमित देसाई, उप निरीक्षक शिवेंद्र पाठक, उप निरीक्षक अनुज ठाकुर सहित अन्य पुलिस कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने सभी पुलिस कर्मियों को पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। उन्होंने स्वीकार किया कि हमने 10,000 में बेचा है। फिर इनकी गाड़ी की इंक्वायरी की गई तो एक लोटा निकला है तांबे का, उसमें 15 सिक्के ये थे और एक उसको फरियादी को बेच दिया था, अशोक रघुवंशीय, फरियादी नटेरन का रहने वाला है। तो इन्होंने 1,000 रुपये में ये बिस्किट बेचा था तो इसलिए इसके इनके खिलाफ 420-34 का अपराध कायम किया गया है। और इसका जो मुख्य आरोपी है वो जुगल किशोर, अवस्थीय ग्राम मोनी शाहपुरा जबलपुर का, और इसके जो 4 साथी हैं वो है मुबीन, रफीक, दानिश और संजय चक्रवर्ती, ये पूरे जबलपुर के रहने वाले हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए गंज बासोदा से दिवेश जैन की रिपोर्ट।